हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री नोट्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैंने शॉर्ट्स की फॉर्म में वीडियोस अपलोड की हैं और कुछ आपके एलॉयज हो गए या फिर और जो कुछ छोटे टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हैं। आज से हम लोग क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री के रेगुलर सेशंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट टू चैप्टर्स की मैं बात करूं, जो है मैटर अराउंड अस और स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वो बेसिक चैप्टर्स हैं। उनको बहुत उनके मतलब मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने जो है शॉर्ट्स में कवर कर लिए हुए हैं, ठीक है। और कुछ जो अब रहते हैं वो मैं धीरे धीरे अपलोड करती रहूँगी। तो चैप्टर वाइज जो ये सीरीज़ है उसमें हम लोग थर्ड चैप्टर विच इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हम लोग इस चैप्टर से जो है स्टार्टिंग अपनी शुरू करेंगे, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए कि जो एटम है वो सबसे छोटी इकाई है मैटर की, ठीक है। जो एटम, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये जो एटम है, एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है। और एटम से जो बड़ी यूनिट है वो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मतलब टू और मोर देन टू एटम्स मेक अ मोलेक्यूल, फाइन, ठीक है। तो एटम्स क्या हुए, स्मॉलेस्ट यूनिट हुई मैटर की, और जो मोलेक्यूल्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा एटम जब मिल जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या हुआ, टू एटम्स प्लस और एटम्स, ठीक है। या तो अकेले दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, जब ये H2 की फॉर्म में एनवायरनमेंट में होता है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। तो बाकी डिटेल में तो हम अब इस चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं, ये जस्ट आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई थिंक जो लास्ट पिछले चैप्टर से आपके काम आएगी, कि क्योंकि मैटर आप अगर शॉर्ट्स देख लेंगे आपको जैसे एलिमेंट क्या होता है ना, उसके बारे में पता चल जाएगा, मेटल नॉन मेटल वगैरह। बाकी कुछ टॉपिक्स रहते हैं जैसे कंपाउंड क्या होता है, एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड, जैसे मिक्सचर हो गया है ना, इस तरीके का, तो वो मैं आगे आगे आपको अपलोड करती रहूँगी, आप वो देख लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर से। चैप्टर मैं रीड करने वाली हूँ और आपको फिर जो मेन इसका वो होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और एंड में हम जो है समरी करेंगे इस चैप्टर की, मतलब समरी में ये नहीं कि जो बुक में एंड में समरी दी है, समरी में हमने जितना भी पढ़ा हुआ है मैं वो कंपाइल करके एक अलग से आपको वीडियो दे दूंगी, ताकि जिस बच्चे को अगर शॉर्ट में सिर्फ समरी समरी मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही करना है उस चैप्टर का, तो उसको वो वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव की प्रेपरेशन के लिए आप लोगों को शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि टाइम तो कम होता है और नॉलेज ज़्यादा लेनी होती है, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो जो स्टूडेंट चाहता है, जैसे स्कूल स्टूडेंट्स हैं या कई कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे भी हैं जो चाहते हैं कि डिटेल में उनकी पढ़ाई हो, तो वो इन वीडियो से गो थ्रू कर सकते हैं, और जिसको अगर शॉर्ट चाहिए तो फिर वो समरी वाली वीडियो को रेफ़र कर सकता है, ठीक है। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग, फर्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है कि एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड पोस्टुलेटेड दैट
इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ, ठीक है, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल. ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु. परमाणु को एटम, परमाणु है एटम, ठीक है, एटम को ही हिंदी में जो है परमाणु कहा जाता है. अनदर इंडियन फिलोसोफर पाकुधा कत्यायामा एलेबोरेटेड दिस डॉक्ट्राइन एंड सेड दैट दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर. अराउंड द सेम एरा एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेंड कैनॉट बी डिवाइडेड. सी, अगर मैं इस चीज़ को पूरा रीड ना करते हुए इफ़ आई वॉन्ट टू यू नो कम्बाइन ऑल टुगेदर वट दे हैव सेड, तो बेसिकली ये यही बात बोल रहे हैं कि जो मैटर है हमारा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. अगर हम मैटर को, जैसे मान लो कोई भी मैटर का एग्जांपल, जैसे आइस ले लो आप, स्नो वाटर ले लिया, ठीक है, तो ये क्या है, अगर हम इसको फर्दर अगर हम इसको कंबाइन वो करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड होता रहेगा. फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ अ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा जो है एक मैटर है, तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये छोटे 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 पार्टिकल्स में, फिर करेंगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फिर करेंगे और छोटे छोटे, तो अल्टीमेटली ये इतने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा कि उनकी फिर फर्दर जो है डिवीजन वो पॉसिबल नहीं है, फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगी. और यही जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एज एटम, विच इज़ परमाणु इन हिंदी. ओके, तो आगे डेफिनेशन होगी, हम वहाँ कर लेते हैं, ठीक है. तो ये देखो, इन लोगों, ये आगे फिर से वही चीज़ें हैं कि बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकग्नाइज्ड, आई थिंक आई शुड जूम आउट इट लिटिल बिट, या साइंटिस्ट हैव रिकग्नाइज्ड the difference between elements and compounds and naturally become interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. मतलब हर एक process कि छोटे छोटे elements किस तरीके से combine कर रहे हैं, elements का table हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. I think 9th में आपको 18 elements हैं, from hydrogen to I think chlorine और argon, ठीक है. उसके बाद एंटोइन एल लेवोइजर आए, ठीक है, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के उन्होंने, ठीक है. तो अब हमने क्या पढ़ लिया, इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो बेसिक चीज़ आपको अगर इस पे इस प्रॉपर इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें, तो इसमें इंट्रोडक्शन ये रहेगा कि धीरे धीरे साइंटिस्ट अराउंड 18th सेंचुरी तक देवर फाइंडिंग कि मैटर भी कुछ चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, नंबर वन. सेकंड, इफ वी ब्रेक द मैटर फर्दर, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे जिनको फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है. थर्ड, जो एलिमेंट्स हैं एंड कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट तरीके से एक दूसरे के साथ मेकअप करते हैं, एक दूसरे के साथ वो बाइंड करते हैं, और अलग अलग तरीके से वो जो हैं अलग भी हो जाते हैं, ठीक है. तो मतलब उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन बनाते हैं वो अलग 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 तरीके से वो ज्वाइन करके. तो इसके बेस पर एंटोइन एल लेवोइजर ने हमें जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए हैं, टू लॉज हैं. तो चलिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं कि क्या कहते हैं. सबसे फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक. तो कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं, कंजर्वेशन कंजर्व करके रखना, बचा कर रखना, सेव करके रखना इज कंजर्वेशन, ठीक है. तो ये लॉ हमें क्या बोलता है कि जो मास है वो कंजर्व रहेगा, वो सेव ही रहेगा, वो कहीं स्पेंड नहीं होगा. सी,
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. ये आपको डेफिनेशन अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेनी है. सी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये जो है डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन. इसमें लिखा है कि जो मास है, ना ही उसको क्रिएट किया जाता है जा सकता है, ना ही उसको ब्रेक किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. ठीक है, तो अगर हम ये चीज़ देखें, ये आपको एक्सपेरिमेंट दे रखा है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे ये. ठीक है, मास क्या है, कंजर्व रहेगा. आपने अगर इसको याद रखना है ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, आपको सिंपल याद रखना है कि मास कंजर्व रहेगा, मास ख़त्म नहीं होगा. ठीक है, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन. कितनी भी दुनिया भर की केमिकल रिएक्शंस हो जाएं, मास मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स आप समझते हो. अगर कोई रिएक्शन है, मान लो जैसे रिएक्शन आप समझते हो ना, दिस इज़ एक्स प्लस दिस इज़ वाई, एंड एरो लगा के हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं. मान लो एक्स वाई प्रोडक्ट बना, तो इफ़ इन केस दिस इज़ वन, दिस इज़ ऑल्सो वन, देन द प्रोडक्ट विल बी टू, बिकॉज इफ़ द मास ऑफ दिस इज़ वन. ठीक है, इसका मास वन है, इसका तो प्रोडक्ट का जो मास होगा दैट विल बी टू. ऐसा हमें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है. ओके, तो एक्टिविटी देखते हैं. सी, एक्स वाई केमिकल्स हैं. एक्स, सबसे पहला एक्स देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट है 1.25 ग्राम, बेरियम क्लोराइड है, लेड नाइट्रेट है, और वाई में हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. ठीक है, अलग अलग इनके वेट्स दे रखे हैं हमें. हमें 5% सॉल्यूशन बनाना है ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई ईच इन 10 ml इन वाटर. ठीक है, 5% सॉल्यूशन किस तरीके से बनाते हैं, 5% के हिसाब से दे रखा है आपको. तो 5% मतलब कि इफ़ वी आर टेकिंग 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, देन वी विल बी एडिंग 5 grams ऑफ द सॉल्यूट विच विल बी एनी ऑफ दीज, प्लस वी विल बी एडिंग अदर 95 ml ऑफ व्हाट, वाटर. ओके, दिस विल बी द 5% सोल्यूशन. 5% का मतलब है कि आपका जो सोल्यूट रहेगा वो 5 रहेगा 100 में, क्योंकि परसेंटेज किस में होती है, 100 में होती है ना, इसलिए. तो 5% का मतलब है कि 5 ग्राम आपका सोल्यूट रहेगा और बाकी का जो मटीरियल उसको 100 पूरा करने के लिए उसको हम लोग क्या करेंगे, पानी डालेंगे, उतना डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं. ठीक है, तो अगर मान लो आपको लैब में ये चीज़ बनानी है ना, तो हम क्या करते हैं, 5 ग्राम तो हम ले लेंगे सोल्यूट. ठीक है, अगर हमें 5% सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, 5 ग्राम तो हम ले लेंगे सोल्यूट ले लेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, उतना डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते जाएंगे जितना कि वो टोटल वॉल्यूम हमारी जो 5 ml बना दे. ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो हमें दिया है कि हमें क्या बनाना है, ईच इन 10 ml ऑफ वाटर. ठीक है, 10 ml ऑफ वाटर में हमें बनाना है, तो 10 ml ऑफ वाटर में हमें कितना बनाना है, 5% सॉल्यूशन. तो 10 ml के हिसाब से हम डाल देंगे. ठीक है, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा. तो उसके बाद है, टेक अ लिटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाई इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सम सोल्यूशन ऑफ एक्स इन एन इग्निशन ट्यूब. हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, सी द सोल्यूशन, डू नॉट गेट मिक्सड, पुट अ कोक ऑन द फ्लास्क. ठीक है, दिस इज द इग्निशन ट्यूब. ठीक है, इसके ऊपर हमने वाई डाल दिया है इसमें. दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क, इसमें हमने
एक्स डाल दिया है, ये बांध दिया हुआ है, कोर्क से इसको कवर कर दिया हुआ है। अब हम ये मेक श्योर करेंगे कि ये दोनों जो एक्स और वाई के जो सॉल्यूशंस हैं ये आपस में मिक्स ना करें, ठीक है। इस तरीके से हमने इनको डिप करके रख दिया हुआ है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वे द फ्लास्क, वी हैव टू वे द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट्स। नाउ टिल्ट एंड स्वर्ल द फ्लास्क सो दैट द सोल्यूशन एक्स वाई गेट मिक्सड। मतलब क्या हुआ कि हमने पहले क्या किया, फ्लास्क ली, फ्लास्क में हमने क्या दिया, ये दोनों चीज़ें डाल दी, एक्स भी डाल दिया वाई भी डाल दिया, सब कुछ लगा के एक सेटअप सा हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। इस सेटअप को हमने वे कर लिया, वे करने के बाद हमें बाहर पता लग गया कि जब ये दोनों सोल्यूशंस जो हैं आपस में मिक्स नहीं हुए हैं तो उसका जो है वेट कितना होगा, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, इनको शेक करेंगे, इसको पूरे को शेक शेक करेंगे। शेक करने के बाद क्या होगा, ये जो इग्निशन ट्यूब है इसका मटेरियल जो है गिर जाएगा बीच में, ये मिक्सचर बन जाएगा। फिर हम फिर से उसका वे करेंगे कि फिर उसका वेट जो है वो कितना आता है, ठीक है। अब वे कर लिया हमने, आपको क्या लगता है कि क्या होगा, वे करने के बाद क्या कम हो जाएगा भार या उतना ही रहेगा, ठीक है, कमेंट करिएगा क्या लगता है आपको। नाउ व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन फ्लास्क, डू यू थिंक दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, आपको लगता है केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आपको पता करना है ना कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर एनर्जी निकल ले ना केमिकल रिएक्शन से तो वो हॉट हो जाएगी फ्लास्क, ठीक है, वो गर्म हो जाएगी, या फिर वो जो है उसका टेम्परेचर कम होके वो कोल्ड भी हो जाती है केमिकल रिएक्शन के बाद, या फिर आपको जो आपकी ये जो कॉनिकल फ्लास्क है ना इसके ऊपर यहाँ पे कुछ गैस गैस बबल्स निकलेंगे, वो भी पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, या फिर इस कॉनिकल फ्लास्क के नीचे में आपको कुछ सेटल्ड मटेरियल मिलेगा जिसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो वो भी हमें बताता है कि कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है, अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग ऑब्जर्वेशन होती है और उससे हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। आप अगली क्लासेस में मोस्टली 11th 12th में आई थिंक इस चैप्टर में भी जहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट या 10th में भी आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हुई है तो क्या होता है, ठीक है। तो हम ये सब देखेंगे। नाउ आगे क्या कह रहे हैं ये लोग कि वाई, एक सेकेंड, Why should we put a cork on the mouth of flask? हमें माउथ के फ्लास्क पे जो है कोर्क क्यों डाला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर कोई गैस फॉर्म हुई होगी, ठीक है, तो वो अंदर रहेगा, ये स्प्लैश नहीं होगा मिक्सचर। Does the mass of the flask and its content change? No. देखो अब हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा, डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, येस केमिकल रिएक्शन तो ऑब्वियसली होगी। वाई शुड बी पुट अ कोर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क, क्यों डालना है भाई कोर्क में, एक तो सबसे पहले सेफ्टी पर्पस के लिए भी, ठीक है, दूसरा हो सकता है कि वो जो रिएक्शन है वो लेस ऑक्सीजन में हो रही हो, ठीक है, थर्ड हो सकता है गैस इवॉल्व हो तो कोर कहीं ना कहीं उसको रोकेगा, हमें ध्यान से दिखेगा, ठीक है। आगे लास्ट, डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज, नो। सी अब मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, ओके। जो आपका वेट है, वेट और आपका जो मास है उसमें डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है। वेट हमारा जो है और दूसरी तरफ है हमारा मास, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो वेट है ये चेंज हो सकता है, ठीक है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास हमारा फिक्स्ड रहता है, यही कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि मास ऑफ एनी मतलब एनी मास ऑफ एनी, इस तरीके से बोले कि दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मास नहीं बदलेगा, ओके। तो आई होप कि आपका ये जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की अगर हम बात करें तो फिर से लेवोयर, आपको ये नेम ऐसे याद हो जाने चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं वो आपसे पूछ लेंगे हु इज़ हु इन्वेंटेड या हु हैव गिवन दी केमिकल कॉम्बिनेशंस मास, सॉरी इसका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, किसने दे रखा है, तो वो आपसे पूछ लेंगे। और मुझे शायद कंफर्म करना है, मुझे लगता है फादर भी यही हैं उसके केमिकल साइंस के, ठीक है, मैं कंफर्म कर लूँगी। उसके बाद हैं लेवोयर, इन्होंने क्या दिया, अलोंग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शंस, ठीक है। अब ये लोग, अब फर्दर स्टडीज से हम लोगों को, साइंटिस्ट को क्या पता चला कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो वो किससे मिलकर बना हुआ है, ऐसे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है जो सेम है, ठीक है, और उनकी प्रपोर्शन भी सेम है। मतलब अगर कहीं पर शुगर है मान लो, तो शुगर जो है जिससे बना हुआ है वो जहाँ भी शुगर है वो उसी से बना हुआ है और उसी प्रपोर्शन में। जैसे हमारे पास, आप लोगों ने देखा होगा या सुना भी होगा कि अगर हम सिंपल H2O लेते हैं जैसे, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला तो सबको पता होगा आपको इस क्लास तक, 9th तक, ठीक है, H2O है। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि अगर ये वाटर का कंपाउंड है तो इसके अंदर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट होगा और ऑक्सीजन एलिमेंट होगा, और ये इनकी प्रपोर्शन, प्रपोर्शन क्या है, 2:1, कि दो हाइड्रोजन के रहने वाले हैं मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रहने वाला है, ठीक है। तो क्या इससे हमें पता चला कि जहाँ भी पानी होगा उसकी जो है कॉम्पोजिशन, मतलब कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, मतलब हाइड्रोजन होगी और ऑक्सीजन होगी, और उनकी जो उसकी जो प्रोपोर्शन है वो भी सिमिलर रहने वाली है, जैसे वाटर के केस में 2:1 रहने वाली है। सिमिलरली अगर हम देखें HCl के केस में, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक तो H होगा और दूसरा Cl होगा, और इनकी प्रोपोर्शन भी क्या रहने वाली है, 1:1, वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल इज ऑफ क्लोरीन। ऐसे अलग अलग तरीके के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि C6H12O6, ये है शुगर का, सुक्रोज का, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, एक तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, ये जब इस रेशियो में होंगे, क्या है, 6 कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के और 6 किसके हैं, ऑक्सीजन के, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, शुगर। तो इससे हमें क्या पता चला कि कोई भी अगर जो एलिमेंट है वो जहाँ भी पाया जाएगा उसमें सेम नंबर ऑफ, सॉरी, सेम एलिमेंट्स पाए जाएंगे एंड उनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन, जो उनकी प्रोपोर्शन है, दैट विल बी सेम ऑल्सो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड्स केम फ्रॉम एंड हु प्रिपेयर्ड इट। कि अगर शुगर होगी तो उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगा, चाहे वो हमें कहीं भी मिले और कहीं भी उसको प्रिपेयर किया जा सके, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ओके। तो नाउ दे हैव गिवन द सेम एग्जाम्पल विच इज़ ऑफ वाटर। सी, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर विच इज़ शोइंग अस द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। सी, इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, दस इफ 9 ग्राम्स ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड, ठीक है, बाय मास। अब आप कह रहे होंगे कि मास किस तरीके से, आप सिंपल ये याद रख लीजिए कि यहाँ पे बात हो रही है एटॉमिक मास की, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे ये, लेकिन आप इन सिंपल एटॉमिक मास, ठीक है, हर एक जो भी एलिमेंट है उसका एक एटॉमिक नंबर होता है और एक एटॉमिक मास होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो उससे डबल होता है,
मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है, जो एटॉमिक मास है ये एटॉमिक नंबर से डबल होता है मैक्सिमम टाइम्स। कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं एक्सेप्शनल, वो हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप बस ये याद रख लीजिए। ओके, ऐसे ही हमें अमोनिया का दे रखा है, और अमोनिया का ये जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले बच्चे हैं ना, उनको फॉर्मूला जैसे वाटर का पता है H2 हो, अमोनिया का है NH3, ठीक है, इनके आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है, इसकी वजह से हमारे पास कौन सा लॉ आ गया, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शंस, विच इज नोन एज दी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। डेफिनेट मतलब फिक्स्ड प्रपोर्शन, ठीक है, प्रपोर्शंस जो है फिक्स्ड रहने वाली हैं। तो इसने किसने दिया था, प्रोस्ट ने ये जो है लॉ दिया था, एंड ही स्टेटेड दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज ऑलवेज, इसको स्टार लगा लेना, हमेशा प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शंस बाय मास। तो ये जो दोनों लॉज हैं ये किसको कंसीडर करके दिए गए हैं, मास को कंसीडर करते हुए दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ दैट स्टेटेड दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, एंड सेकेंड लॉ स्टेट्स विच इज़ गिवन बाय प्रोस्ट दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास, मतलब मास उनका जो है डेफिनेट एक दूसरे के साथ प्रपोर्शन में होगा। ओके, तो ये जो है टू लॉज हमने रीड कर लिए हैं, ठीक है। तो नंबर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से, या आप लोग स्टेटमेंट में बना के लिखेंगे इसको ज़रूर, ठीक है। तो हेडिंग आप लोग इसको देने वाले हो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कितने लॉ हैं, टू लॉज हैं। नंबर वन कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकेंड लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, और दोनों ही मास से रिलेटेड हैं। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम लोग लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। अब हम करेंगे कि एटम किस प्रकार से डिस्कवर हुआ, ये तो हमने पढ़ लिया कि केमिकली कैसे कंबाइन करते हैं कोई भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मेनली आपने याद रखना है कि एल लेवोयर ने इन पे जो है ज़्यादा काम किया है, और सेकेंड लॉ दिया है प्रोस्ट ने, PROUST। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी जो रेगुलर 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते। वहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन से हैं, तो आपको वो लॉज जो हैं देने हैं, और इन केस आपको एग्जाम्पल भी देना है, तो जैसे आप लोग दे सकते हो इसमें ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो अगर जो वाटर है, ठीक है, वो 1:8 में ही रहता है विद रिस्पेक्ट टू मास, मास का नहीं भूलना है, ठीक है, इन दोनों में ही मास, दोनों लॉज में मास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगली लेक्चर में हम लोग करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, कि ये जो साइंटिस्ट थे डाल्टन ये कौन थे, इनके बारे में पढ़ेंगे, और कैसे इन्होंने जो है एटॉमिक थ्योरी दी है, सबसे पहले इन्होंने दी है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।